हाई एवरी वन वेलकम टू अभिमन्यू आई ए एस माई नेम इज़ रोहित गर्चा अभिमन्यू आई एस इज अ प्लेटफॉर्म विच हैज़ मोर देन ट्वेंटी थ्री ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन यू पी एस सी एंड पी सी एस एग्जामिनेशन एंड हैज डिलीवर्ड मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड रिजल्ट सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज टू द पॉइंट टू द पॉइंट के अंदर आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली इट इज अबाउट मंडाला आर्ट कहाँ से ओरिजन हुआ है ये क्या ये होता है क्या इसके मीनिंग है वो सब देखेंगे इसके अंदर एंड अदरवाइज ऑल्सो आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कहा जाता है कि आर्ट इज़ दी आउटलाइन ऑफ योर थॉट्स एंड आप किसी भी जनरेशन को स्टडी अगर करना चाह रहे हो तो उसके आर्टिस्ट को अगर आप स्टडी कर लोगे तो यू विल गेट टू नो अबाउट दी कि सोसाइटी में क्या चल रहा था क्या चल रहा है तो आर्टिस्ट आर द रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट इज गोइंग ऑन इन दी सोसाइटी सो टू द पॉइंट में आज का टॉपिक हमारा मंडाला आर्ट के ऊपर रहेगा एंड टू द पॉइंट इज अ सीरीज जहां पे हम करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं कि वंस अ टॉपिक इज डन इन दिस सीरीज टू द पॉइंट उसके बाद में यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एनी क्वेश्चन दैट दैट कम्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक सो वंस अ टॉपिक इज कवर्ड हेयर इन टू द पॉइंट इट इज कवर्ड फॉर प्रीलिम्स एंड इफ यू विश टू कवर करंट अफेयर होलिस्टिकली फॉर प्री एज वेल एज मेन्स देर इज अ कोर्स दैट इज ऑलरेडी रनिंग गोइंग ऑन एट अभिमन सेंटर्स बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट और ये प्री और मेंस दोनों चीज़ों को कवर करेगा आंसर राइटिंग के हिसाब से भी आप जो करंट अफेयर्स हैं वो कंप्लीटली आपके जो है इस कोर्स में कवर हो जाएंगे प्लस यू विल गेट अ सेवन डेज फ्री ट्रायल फॉर दैट कोर्स एज वेल एंड आप इसको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों फॉर्मेट के अंदर जो है अवेल कर सकते हैं जस्ट चेक इट आउट आई वेरी क्वालिटी देखिए सेवन डेज फ्री ट्रायल लेके एंड उसके बाद uh, सही लगे तो जरूर यार ज्वाइन कीजिएगा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि वाई आर वी स्टडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग राइट नाउ क्योंकि ये तो एक आर्ट है जो जनरेशन चलती आ रही है वाई इज़ इट रेलिवेंट दीज डेज कि लिवरपूल के अंदर एक आर्टिस्ट है जेम्स ब्रंट नाम से तो उन्होंने एक बहुत बड़े साइज़ की जो है मंडाला आर्ट को बनाया है एंड थोड़ा इसकी कवरेज वगैरह है वो ज़्यादा हो गई है एंड इंटरनेशनल कवरेज अगर हुई है समथिंग दैट इज़ रियली इंडियन एक इंडियन <coughs> आर्ट की कवरेज हुई है तो दैट आर्ट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज हाउ द आर्ट लुक्स मंडाला आर्ट है तो वन एंड हाफ फुटबॉल फील्ड जितने पोर्शन uh, के अंदर इस आर्ट को बनाया गया है मेस मराइजिंग आर्ट आप सबने भी ये पर्टिकुलर uh, आर्ट देखी हुई है यू कैन फाइंड इट एट मैनी प्लेसिज ये आर्ट को और इसके बिट्स एंड पिट पीसेज में आपको ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाता है आई एम श्योर की आपने इस आर्ट को कहीं ना कहीं जरूर देखा है चाहे डायरेक्टली नाम से ना जानते हो आप इसको पर यू नो अबाउट दिस लेट so, स्टार्ट थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं हम मंडाला आर्ट ठीक है लिटरली मीनिंग वॉट सर्कल और सेंटर इन संस्कृत राउंड शेप में रहती है ये और इसका लिटरल मतलब भी है, ये कि सर्कल और सेंटर इन संस्कृत अ मंडाला आर्ट इज अ डिफाइंड इज डिफाइंड बाय ज्योमेट्रिक जोमेट्रिक कॉन्फिग्रेशन दैट यूजुअली इनकॉर्पोरेट्स दिस सर्कुलर शेप इन सम फॉर्म तो ये इसका एक की एलिमेंट हो गया है ंडाला पैटर्न आर अचुरी ओल्ड मोटिव दैट आर यूज टू डिपिक्ट कॉजमोज अब उसका मतलब क्या है वॉट इट डिपिक्टज दोज और यहाँ पे एक टर्म आया है मोटिव मोटिव इज बेसिकली ए डिजाइन जो कि रिपीट करके एक पैटर्न बन जाता है एंड अगेन मोटिवस को आपने बहुत जगह देखा हुआ है और वो मोटिव एक्जैक्टली exactly क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा एंड आपने कहा देखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वेर आई कैन आई कैन प्रैक्टिकली गारंटी कि आपने इसको देख रखा है आर सेंचुरीज ओल्ड मोटिव दैट आर यूज्ड टू एंड हैव बीन बाय आर्टिस्ट द वर्ल्ड ओवर ईच ऑफ हुम हैव देयर देयर ओन इंटरप्रिटेशन एंड पेंटेड इट एज ओन बट हमें पता है कि मंडाला आर्ट जो है इट लिटरली मीन सर्कल और ये कहां से आए इसका ओरिजिन भी अभी हम देखेंगे वाइल इट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड इन द शेप ऑफ अ स्क्वायर मंटाला पैटर्न इज एसेंशियली इंटरकनेक्टेड जैसे हमने लास्ट वाले में देखा था ये जो पैटर्न है इट इज इंटरकनेक्टेड अब ये देखो ये पैटर्न इसको पैटर्न क्यों बोल रहे हैं हम ये देखो ये रिपीट हो रहा है ना इट्स अ पैटर्न और नेक्स्ट वाले के साथ इट इज इट इज इंटरकनेक्टेड तो ये उसकी बात कर रही है कि सर्कुलर फॉर्म में रहेगा इंटरकनेक्टेड पैटर्न्स हैं और क्योंकि सर्कुलर शेप में है कॉजमोज को रिप्रेजेंट कर रहा है

फर्स्ट वेदाज रिग वेदेंट पॉइंट ने अपने हिसाब सेवर जो है उसको रेंडर किया हुआ सो दिस इज हाउ इट ट्रेवल्ड बाई दि सिक्स सेंचुरी मंडालाज बिन रिकॉर्डेड इन चाइना कोरिया जपान इंडोनेशिया एंड तिब यहां पर आपको हर जगह पे बुद्धिज्म का जो है एक होल्ड देखने को मिलता है वाइल इट कॉन्टिन्यूज टू अपीयर इन थांका पेंटिंग्स इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे अभी हम क्या होती है यहां से भी पोटेंशियल क्वेश्चन बनेगा इट को क्या मतलब पेंटिंग के बारे में पूरी डिस्कशन होगी अभी वाइल इट कॉन्टिन्यूज टू अपियर इन थांका पेंटिंग्स इट हैज सेंट्रल प्लेस इन द प्रैक्टिस ऑफ मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट एसोसिएटेड विद चेक इट आउट तांत्रिक एंड नियो तांत्रिक स्पिरिचुअल मूवमेंट्स अब ये स्टेटमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए होगी है क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि मंडाला आर्ट जो है वो कौन से टाइप ऑफ बुद्धिज्म के अंदर यूज होती है मेनली अब क्योंकि तांत्रिक एंड नियो तांत्रिक की बात हुई है तो ये कौन से वाले में होता वी है वज्रयान. वज्रयान तो एक क्वेश्चन एक आपका जो है वो यहां से निकल के आएगा और देखिए आउट समटाइम्स समाइम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है इन so, सारी स्टेटमेंट्स को जब हम ध्यान से देखते हैं तो इसके अंदर वो स्टेटमेंट जो है छुपी हुई है अब जैसे यहां पे तांत्रिक एंड की बात को क्लियरली लिखा हुआ mandala. Mandala की बात हो रही है. उसका मतलब क्या है इट इज बिलीव दैट बाय एंटरिंग द मंडाला एंड मूविंग टूवर्ड इट्स सेंटर वन इज गाइडेड थ्रू प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्स थोड़ा सा सेल्फ एक्सप्लोरेशन uh, की यहाँ पे बात हो रही है हालांकि बट अगेन इट इज अ मेडिटेशन टूल इट डिपिक्ट्स व्हाट ट्रांजिशन फ्रॉम वन सफरिंग टू दैट ऑफ जॉय ट्रांजिशन की बात हो रही है यहाँ पे अ ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट मंडाला अ सर्कुलर पेंटिंग अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और अभी दिमाग में डालो अ ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट मंडाला अ सर्कुलर पेंटिंग ड्रॉन विद कलर्ड सैंड कलर्ड सैंड, अंडरलाइन एडिड इन मेडिटेशन मेडिटेशन के लिए काम में आता है बिकॉज बहुत इंट्री वो फुटबॉल फील्ड वाला तो बहुत बड़ा हो गया ये इतनी इतनी सी होती है एंड वेन यू वेन यू आर मेकिंग इट और आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसे बना रहे सो इट टेक्स यू इन टू मेडिटेटिव जोन तो ये उसकी बात हो रही है एडिड इन मेडिटेशन विद ऑब्जेक्टिव ऑफ एडिंग इट्स क्रिएटर टू डिस्कवर देअर ट्रू सेल्फ जो कि हमारी मेडिटेशन का एक मोटिव रहता है इन हिंदुइजम अमंडाला और उसको में क्या बोलते हैं यंत्र इज द शेप ऑफ अ स्क्वायर हमने स्टार्टिंग में देखा था कि इसकी जो शेप है वो स्क्वायर भी हो सकती है विद अ सर्कल एट इट्स सेंटर सर्कल का एलिमेंट सर्कल का एलिमेंट आपको यहां भी दिखेगा जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में करी थी तो तीन चार चीजें इसके अराउंड जो है वो डेफिनेशन में घूम रही है वो इनमें से आएगा दिस स्टेटमेंट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट मंडाला कलर्ड सैंड से बनाया जाता है वो अटैचमेंट ना हो उसको भी दिखाने के लिए उसको साफ कर दे दोबारा तो यू लर्न हाउ टू लेट गो तो ये कुछ उस एंगल पे जा रहा है पर अभी हम थोड़ा फोकस रहते हैं इसके ऊपर यह होता है एक मोटिव जिसमें मैंने बताया था कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है एंड इट गेट्स रिपीटेड आपके घर में जो हम ऐसे बेड पे चादर वगैरह बिछाते हैं तो उसके ऊपर यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ पैटर्न मैंने बोला था कि आई एम गरेंटिड कि आपने कहीं ना कहीं देखा है सोफा कवर्स एंड ऑल उसके ऊपर एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है एंड इट रिपीट रिपीट इट सेल्फ एंड आर्किटेक्चर में हमने देखा है इंडिया में बहुत जगह हमने देखा है कि इसको कि एक एक पर्टिकुलर पैटर्न है वो रिपीट रिपीट होता रहता है सो इट इज़ डीप रूटेड इन आर कल्चर सो दिस इज़ अ मोटिव मोटिव वर्ड भी आप बहुत जगह देखेंगे इसके अलावा मोटिव का मतलब ये होता है एन इमेज विच हैज अ पैटर्न एक इमेज जो बार 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 रिपीट हो रही है अब हर जगह में कोई एक पर्टिकुलर चीज ऐसे हाईलाइट कर दोगे विच इज एक्चुअली रिपीटिंग इट सेल्फ पेंटिंग जिसकी मैं बात कर रहा था एक आया था कि थांका पेंटिंग के अंदर यूज होता है सो अगेन अ थांका पेंटिंग ऑल्टरनेटिवली स्पेल हांका था और ये जितने भी है ये इसके ऑल्टरनेट नेम्स है अगर प्री में क्वेश्चन आया तो इनमें से किसी भी चीज के ऊपर कोई भी एक नाम के हिसाब से वो क्वेश्चन आ जाता है कि थांका पेंटिंग किस किस रिलीजन से एसोसिएटेड है आ, इस टाइप का को कोई भी क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक के ऊपर हिसाब से बन सकता है इज अ तिब्बतन बुद्धिस्ट पेंटिंग ऑन कॉटन सिल्क एप्लीक दैट यूजली डिपिक्ट बुद्धिस्ट डेटी और मिथोलॉजिकल सीन्स बुद्धिस्ट डेटी को भी कर सकता है और इसके पीछे ये ये बुद्धिस्ट डेटी बोधिसत्व और इसके पीछे आप देखोगे तो इट्स अ सीन इट्स अ सीन दैट इज गोइंग ऑन तो ये दोनों चीजों को डिपिक्ट करता है और कहाँ का है ये तिब्बतन बुद्धिस्ट इसका ओरिजिन है और एप्लीक का मतलब होता है इट्स काइंड ऑफ अ टेक्सटाइल की आर्ट को एप्लीक बोला जाता है जहां पे आप क्लॉथ uh, को कट करके एक डिजाइन कुछ बनाते हैं तो यहाँ पे भी इफ यू सी तो ये एक क्लॉथ है जिसके ऊपर अगर आप ये वाला पैटर्न देखोगे ये पूरा येलो वाला तो ये इसके ऊपर लगाया जाता है तो इस पूरे चीज को आप बोलते हैं एक बार गूगल करके आप देख भी सकते हो कि का एक्जेक्टली exactly क्या मतलब है अभी राइट नाउ विल मूव ऑन थोड़ा सा और देखते हैं इसके ऊपर थांका सर्व एज इंपॉर्टेंट टीचिंग टूल्स डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ बुद्धा वेरियस इंफ्लुएंशियल लामास एंड अदर डाइटीज जो कि बोधि सत्वास को इंक्लूड करके द बुद्धिस्ट वज्रयान डिवोटी यूज इज अंका इमेज ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि अ बुद्धिस्ट वज्रयान डिवोटी याद रखना इसको बुद्धिस्ट वज्रयान डिवोटी यूज इज अंका इमेज ऑफ द मेडिटेशन डेटी जिसको यदम कहा जाता है अब यूपीएससी को आता था टेढ़े मेढे वर्ड पूछने का क्या मतलब है यदम का मतलब है मेडिटेशन डेटी

सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट जैसा मैं हर बार बोलता हूँ अगेन इसके वेरिड मतलब होते हैं पर दिस वन इज दिसमेंट इट फाइंड इट ओरिजन इन जेनिजम अभी देखो साथ के लगते हुए रिलीजन पढ़े होंगे बुद्धिज्म पढ़ता है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है बट वी नो दट इट इज अ बुद्धिस्ट थिंग इन हिंदुइजम द मंडाला फर्स्ट अड इन रिग बेदा विच इज करेक्ट सोसर क्या बनेगा इट इज फोर्थ सो दिस वॉज अ फॉर टूडे अगेन आर्ट की जब भी बात आती है इट मेक्स यू स्म एंड आर्ट इज द अगेन रिफ्लेक्शन ऑफी आउटलाइन ऑफ यूर थॉट बी आर्टिस्टिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इज टू द पॉइंट माई नेम इज रोहित गर्चा एंड यू आर वॉचिंग अभिमन्यू आई एस